यूपीएससी एग्जाम को दुनिया की सबसे मुश्किल और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा कहा जाता है। इस परीक्षा को पास करना अपने आप में एक तपस्या और समुद्र पार करने जैसा है। हालांकि बहुत से कैंडिडेट्स इस परीक्षा में फेल होते हैं। बहुत कम लोग पहली बार में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, तो कुछ पांचवी छठी बार में। एक ऐसे ही योद्धा की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। ये कहानी है अक्षत कौशल की, जो आज आईपीएस अफसर है। उन्होंने चार बार यूपीएससी एग्जाम में असफलता पाई और निराश होकर बैठ गए, पर ऐसा क्या हुआ कि आज वो अफसर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अक्षत ने साल 2012 में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने इसकी कोचिंग ली और पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन उनका चयन प्री में भी नहीं हुआ। इस प्रकार अक्षत साल दर साल अटेम्प्ट देते रहे, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर थी। हालांकि इसके बाद भी अक्षत ने चार सालों में कभी हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलतियों से सीखते गए। लेकिन चौथे अटेम्प्ट में मिली असफलता ने उन्हें तोड़ दिया। रिजल्ट आने के बाद हताश अक्षत घर से बाहर हवा बदलने गए, तो परिवार ने अनहोनी के डर से उन्हें रोकना चाहा, पर वह नहीं रुके। तभी अक्षत अपने तीन दोस्तों से मिले और उस 10 मिनट की मुलाकात में जाने उन्होंने अक्षत से ऐसा क्या कहा कि वह सब कुछ भुलाकर फिर से प्री की तैयारी में लग गए। जो यार ठान चुके थे कि यूपीएससी उनके लिए नहीं बनी है, वो शब्द तो अक्षत को भी नहीं याद है। पर यह उसकी ताकत ही थी कि पांचवे अटेम्प्ट की प्री परीक्षा में मात्र 17 दिन बचे थे और इन 17 दिनों में अक्षत ने दीन दुनिया, हताशा निराशा सब भुलाकर ऐसी तैयारी की कि उनका न केवल चयन हुआ बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से सिलेक्शन भी हुआ। अपनी सफलता पर अक्षत कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि जो गलतियां मैंने करी वही दूसरे कैंडिडेट्स भी दोहराएं, इसलिए वे अपना अनुभव दूसरों से साझा करना चाहते हैं, जिससे शायद दूसरों की मदद हो पाए। अक्षत अपने 5 अटेम्प्ट्स में असफल होने पर सीखी 5 बातों को कुछ इस तरह से शेयर करते हैं। अक्षत अपनी पहली सीख में कहते हैं कि परीक्षा देने से पहले परीक्षा के नेचर को समझे कि आखिर यूपीएससी परीक्षा आपसे क्या चाहती है, प्री में क्या देखा जाता है, मेंस में क्या देखा जाता है और इंटरव्यू में वे आपको कैसे टेस्ट करना चाहते हैं। इस जरूरत को समझकर इसके अनुसार ही तैयारी करें। अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं है। अक्षत ने अपने पहले ही साल में कोचिंग से लेकर बिना खाना खाए पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ाई की, पर नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा। अक्षत की दूसरी सीख है किसी भी विषय को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जैसे वे हिंदी को लेकर बड़ा श्योर थे कि इसमें क्या है, ये तो पास ही हो जाएगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह हिंदी के कंपलसरी पेपर में भी पास नहीं हो पाए और उन्हें अपने बाकी विषयों के अंक तक नहीं पता चले। अक्षत कहते हैं कि कोई विषय आता है यह अच्छी बात है, पर इसको लेकर इग्नोरेंट रवैया ना अपनाए। यूपीएससी आपकी क्षमताओं को जिस स्तर पर जांचता है आप वहां तक सोच भी नहीं पाते। अक्षत कहते हैं जो लोग आपको जानते हैं उन्हें बहुत बार यह पहलू भी दिख जाता है जो कई बार आप नहीं देख पाते। दूसरे अटेम्प्ट में भी चयन न होने पर अक्षत ने वापस नौकरी पकड़ ली। इस समय उनके एक दोस्त जो अक्षत के साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने उनसे कहा कि हम सफलता के बहुत करीब आ गए हैं, अब रिस्क नहीं लेते, पर अक्षत ने किसी की नहीं सुनी। इस साल उनके दोस्त का चयन हो गया और नौकरी के चक्कर में अक्षत ठीक से तैयारी नहीं कर पाए और जिस सफलता के वे बेहद करीब थे वहां उन्हें नहीं मिली। अक्षत कहते हैं कई बार हमें लगता है ऐसा एरिया हमारे स्ट्रेंथ है, पर हमारे लगने और यूपीएससी को यही लगने में बहुत फर्क है। जैसे अक्षत परीक्षा के समय कुछ अखबारों के लिए लिखते थे और उन्हें ये मुगलाता हो गया था कि ऐसे लिखने में क्या है, क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल तो बहुत अच्छी है। इस साल अक्षत ने एसए में लोएस्ट मार्क्स 91 पाए, क्योंकि जिसको वह अपनी स्ट्रेंथ मानकर ध्यान नहीं दे रहे थे, दरअसल वो यूपीएससी के मापदंडों पर बहुत ही निम्न स्तर की थी। अक्षत आखिरी सलाह देते हैं कि जब अपना 100% देने के बाद भी रिजल्ट ना आए तो कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए। कुछ घटनाओं का समय
शायद तय होता है, वे जब होनी होती है तभी होती है। जैसे अपने चौथे प्रयास में अक्षत ने परिवार के दबाव में सिविल प्रोफेशन में IAS भर दिया था, जबकि उनके दिल में हमेशा IPS सेवा थी। नतीजा यह हुआ कि साक्षात्कार दे जाते समय उनके दिमाग में आया कि जब मैं खुद से ईमानदार नहीं हूँ तो ईश्वर क्या मेरी मदद करेंगे। अक्षत का इस बार साक्षात्कार तक पहुँचने पर उनका चयन नहीं हुआ। अंत में अक्षत अपने 5वें अटेम्प्ट के उन 17 दिनों को भी ईश्वर की मर्जी मानते हैं, जिसमें वे इतने मोटिवेट हुए कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी कमियों को दूर करते चलें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। UPSC की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक UPSC 27 ईयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।